गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रावासों में लागू नई मेस की फीस को घटाए जाने तथा टोकन व्यवस्था लागू किए जाने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रशासनिक भवन पर प्रदर्शन किया और कुलपति से मेस की व्यवस्था को सरल बनाने की मांग की। प्रदर्शन कर छात्रों का कहना था कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मेस के लिए छात्रावासियों से 30,000 प्रति वर्ष शुल्क निर्धारित की गई है, जो छात्रों के लिए काफ़ी अधिक है। इसलिए हम लोगों की मांग है कि मेस के शुल्क को घटाकर कम किया जाए तथा टोकन सिस्टम लागू किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्र नेता शिवशंकर गौड़ व अविनाश कुमार पांडे ने कहा कि मेस का शुल्क घटाया जाए, जिससे छात्रावासियों को कोई असुविधा न होने पाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य नियंता प्रोफेसर गोपाल प्रसाद ने कहा कि छात्रों की मांगों पर विचार किया जाएगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्र नेता द्वय व गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रैक्टर प्रोफेसर गोपाल प्रसाद ने कहा, सफलता अर्जित करने में सक्षम है। ऐसा नहीं हो पाया बच्चों की मेहनत, छात्रवासियों ने बिना मेस की व्यवस्था के लिए IIT, IIM, आर फैकल्टी, इंडियन नेवी, नेट, JRF, UPP, आर्मी, छात्रवास का लोहा मनवाने का कमेटी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ाती है, तो उपरोक्त व्यवस्थाएं बेहद ही आसानी से कराई जा सकती है। अंतर विश्वविद्यालय प्रशासन से विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि हमारी उपरोक्त मांगों पर त्वरित कार्रवाई किया जाए। यदि हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाती तो हम सभी छात्रवासी पढ़ाई को बाधित करते हुए प्रदर्शन एवं अनशन पर बाध्य होंगे। अभी हम एक कॉपी एक पेन बढ़ाएंगे, जिसमें आप अपना नाम अपना क्लास लिखिएगा और उसमें अपनी कोई अगर त्रुटियां हो तो उसको भी उसमें अंक कर दीजिएगा। कोई नहीं है तो फिर साथ एकता जिंदा अविनाश कुमार पांडे। पहले मैं इसके पहले कभी मेस नहीं चला, ठीक है, मेस जरूरी है विश्वविद्यालय के छात्रावासों के लिए। आगे मेस की व्यवस्था को लेके है, छात्रावास में विश्वविद्यालय कुलपति द्वारा, वार्डनों द्वारा, प्रैक्टर द्वारा ये तय किया गया कि मेस का शुल्क 30,000 रुपये हो। हमको नहीं लगता है कोई भी छात्रावासी 30,000 रुपये देने में सक्षम है, इसीलिए सभी छात्रावासियों के लिए हित के लिए ये हम लोग मांग रखे हैं अपनी कि मेस का शुल्क कम हो। अगर ये शुल्क नहीं कम कर पाते हैं तो सेंट्रल मेस की व्यवस्था करें, जिसमें टोकन व्यवस्था हो कि रोज़ का पेमेंट करें बच्चे, टोकन कटाएं और भोजन लें। सबके ऊपर ये थोपा ना जाए कि आपको मेस लेना ही लेना है, ठीक है। सभी छात्रवासी, कुछ छात्रवासी यहाँ कोचिंग करके अपना जीवन चलाते हैं, यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, खाना पीना करते हैं यहाँ पे। 30,000 रुपये कोई छात्रवासी देने के लिए तैयार नहीं है। महिला छात्रावास का भी फीस बढ़ा दिया गया है, ठीक है, तो सभी लोग विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का। शंकर गौर, छात्र नेता विश्वविद्यालय। लेकिन आप सोचिए, जिस विश्वविद्यालय में दूर दराज से जो गोरखपुर विश्वविद्यालय ग्रामीणांचल में स्थित है, जहाँ किसान के बेटे आते हैं, मध्यम परिवार के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, 30,000 रुपया प्रति वर्ष लगाया गया। 4,000 रुपया आप और जोड़ लीजिए छात्रावास की फीस, इतने पैसे विद्यार्थी कहाँ से देगा। हमारी प्रमुख मांगे हैं 16,000 रुपये में इसकी कीमत की जाए, टोकन सिस्टम किया जाए। हमारी किसी वार्ता अभी तक कोई भी सक्षम अधिकारी विश्वविद्यालय का मिलने नहीं आया, ना ही प्रैक्टर आए, ना ही कुलपति कोई प्रतिनिधि आया। हम बैठे हुए हैं, हम बहुत धैर्यतापूर्वक, हम लोग गांधीवादी लोग हैं, हम भगत सिंह के अनुयायी हैं, नहीं हम गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। हम शांति से सत्याग्रह चलाएंगे, जैसे असहयोग आंदोलन माननीय महात्मा गांधी जी ने चलाया था, हम वही असहयोग आंदोलन चलाकर विश्वविद्यालय के घमंड को चूर चूर करने का काम करेंगे। अभी लोगों को बात करनी, ये लोग आए, हम नहीं जाएंगे किसी के पास बात करने के लिए। बच्चे हॉस्टल में मेस की सुविधा जो इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारी किया है देने के संदर्भ में, तो इनका ये कहना है कि मेस की सुविधा जो है जिसको ज़रूरत हो वही ले और कंपलसरी न किया जाए, जिसका मन करे वो खाए और जो मन करे वो बाहर अपना खाए या बना के अपना खाए। लेकिन देखिए, एक व्यवस्था के तहत या तो मेस पूरे हॉस्टल में चलेगा तभी वो सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज ऑप्शनल जब होगा तो वो प्रशासन के लिए और बच्चों के लिए भी खुद भी दिक्कत होगा। तो और कुलपति जी हमारे बाहर हैं,
और अभी मीटिंग में कुलपति जी ने तय किया है कि हॉस्टल में मेस चलाना है। ये विश्वविद्यालय के मानकों के लिए जो आगामी नैक का जो मूल्यांकन होना है, आदरणीय कुलपति जी बता रहे थे कि नैक मूल्यांकन में हमारे लिए ग्रेड पॉइंट है और होना ज़रूरी है, वो एक सुविधा है, बच्चों को दी जानी चाहिए, एक कंपलसरी है और बच्चे आंदोलित हैं। ये तो ये भी कह रहे हैं कि हम 30,000 रुपया एक मुश्त नहीं दे पाएंगे और जो देना चाहता है वो दे, तो ये सब विरोधाभास आपस में ही कर रहे हैं। लेकिन ये है कि माननीय कुलपति जी बाहर हैं, जब आएंगे तब उनसे अभी बात हो पाएगी इन लोगों की, और उनका हमको निर्देश मिला है कि ये लोग जाके वार्डन लोगों से अपने बात करें, और यही बात है।